हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ DIY करेंगे। ये मेरे पास डिटॉल की एक पुरानी बॉटल है और हम इस पे आज DIY करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी पुरानी है ये और इसका रैपर भी नहीं निकल रहा। तो हम इसके लिए गर्म पानी लेते हैं। मैंने गर्म पानी ले लिया है। पानी इतना ही गर्म रहना चाहिए कि बॉटल पिघल ना जाए। इसको इसमें डाल देंगे। ये सारे आइटम हैं, आप देख सकते हैं जो मैं यूज़ करूँगी। ये कलर है, ये 6 बॉक्स का कलर है और इसके अंदर आप देख सकते हो वाइट, रेड, ये सारे कलर हैं। ये मैंने वॉर्निश लिया है, कलर के बाद अप्लाई करेंगे। ये डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस हैं। ये मेरी वो बॉटल है, ये मैंने ड्राई हो चुकी है। इस पर हम DIY स्टार्ट करेंगे। ये ब्रश को क्लीन करने के लिए पानी लिया है। इसमें ये क्लीन करने के लिए ब्रश को, और फिर इससे हम इस वेस्ट क्लोसेस को क्लीन कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं इस पर एक वाइट पेंट से बेस कलर दूँगी। इसको पूरी तरह से वाइट पेंट से, या इसको पूरी तरह से पेंट कर सकते हो। हमें पेंट करना पूरा, हमने इसे पेंट कर दिया। अच्छी तरीके से इसे कलर लगाना है पूरा। बराबर कोटिंग करते रहना है। मैं इसके नीचे भी लगा देती हूँ। और ये इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा मैसी हो गया, क्लीन कर सकते हैं। और ये रख दिया। अब एक ये ड्राई हो चुका है। एक और बार मैं इस पर वाइट कोट लगाऊंगी। अब तब पूरा बेस कलर हमारा इक्वल हो जाए तो एक और कोट हम लगा देते हैं। सारे कोट को अच्छी तरीके से पूरे बॉटल पे हमें लगाना है। इसे अच्छी तरीके से हम फैला देंगे पूरी तरफ, कलर को सारा इवन हो जाए। और अच्छे तरीके से अब ये ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। मैं ब्रश को क्लीन कर लेते हैं। ब्रश क्लीन कर लिया, वेट करते हैं ड्राई होने का। तो ये मेरी बॉटल ड्राई हो चुकी है और मैंने अपने सारे कलर ओपन कर लिए हैं। मैं सबसे पहले ये ग्रीन कलर लूँगी। अब हम इस पर कोई एक पैटर्न बना देते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है बट मैं इस पर एक पैटर्न बनाती हूँ। रैंडम पैटर्न बना सकते हैं अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, या आपके पास कोई डिज़ाइन है आप उसे कॉपी कर सकते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस पर ये नॉर्मल ग्रीन कलर से डायरेक्ट ही ऐसे एक फ्लावर शेप में पैटर्न बना रही हूँ मैं। आप चाहो तो पेंसिल से पहले डिज़ाइन करके फिर आप उसमें कलर फिल कर सकते हो, पर मैं ऐसे डायरेक्ट ही कर रही हूँ।
तो ये मेरा पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं इस बॉटल के चारों तरफ ये पोल्का डॉट बना दिए हैं इस तरह के फ्लावर शेप में। अब इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अब मैं दूसरे कलर से सेम डिज़ाइन करूँगी। मैंने ये दूसरी तरफ लीफ बनाया है। अब ब्लू कलर से इसमें एक जैसा ऐसा ही पैटर्न बना लेते हैं। इसमें सेम ऐसे पैटर्न में बना लूँगी। इस तरह हम पूरी बॉटल को कवर कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पार्ट टू के लिए प्लीज़ वेट करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।